स्टॉक चेक करने के बाद कुछ क्वेश्चन थे आपसे। जी जी श्योर बिल्कुल। जज़ाकअल्लाह हाफिज़ भाई, आपने माशाल्लाह विज़िट भी किया आज, आपने यहाँ पर आके गाड़ियाँ भी अपने अपने व्यूअर्स को दिखाई। और हमारी कोशिश यही है यार, इंशाल्लाह ताला जो भी कस्टमर्स हैं अच्छी चीज़ अच्छे पैसों में अच्छी चीज़ दें, ताकि बिल्कुल नेक्स्ट टाइम भी वो विज़िट करें तो इंशाल्लाह ताला खुश होकर दुआएं देके ही विज़िट करें इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। सो सो शिव भाई, अगर हमारे रेफरेंस से कोई आएगा तो उसके लिए क्या हो सकेगा आप? बिल्कुल जो फेवर दे सकूंगा इंशाल्लाह ताला आपके रेफरेंस से, इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा कोशिश करूंगा कि फेवर दूँ उनको इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, और बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम आए हुए हैं अली मोटर्स पर। माशाल्लाह यहाँ पर बहुत ही आउटलाइन स्टॉक है। सो हमारे दो भाइयों की डिमांड की यहाँ पर सारे ही अवेलेबल है, तो माशाल्लाह देख सकते हैं बिल्कुल लाइक और जीरो मीटर कंडीशन में कार्स है, और बिल्कुल ओरिजिनल कार्स है माशाल्लाह से। सो जिस भाई ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम अपने भाइयों की डिमांड पर आए इनके पास, इनकी कार्स की डिटेल वगैरह पूछते हैं, डिमांड वगैरह पूछते हैं। सो अब हम चलते हैं शुभ भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम शेख भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? ठीक है हाफिज भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सो शेख भाई आप सुनाए? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया आपका इधर आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। सो शेख भाई आपसे आज हम आपके पास आए, आपके स्टॉक की डिटेल वगैरह पूछते हैं, डिमांड वगैरह पूछते हैं। सो आपके पास माशाल्लाह बहुत ही आउट क्लास कार्स है, स्टॉक काफी अवेलेबल है, आप बिल्कुल आए देखें विजिट करें। बिल्कुल बिल्कुल। सो शेख भाई आपके पास माशाल्लाह पहला यूनिट कौन सा है? ये मेरे पास है टोयोटा पिक्सिस, ये आप जरा देखें गाड़ी, व्यू भी कराए अपने व्यूअर्स को। जी जी। तो इसके बारे में आप मुझे थोड़ी डिटेल वगैरह बता दें कि इसकी एवरेज वगैरह और माइलेज वगैरह। ये 2022 मॉडल है, 24 की रजिस्टर्ड है, अभी करंटली रजिस्टर्ड हुई है गाड़ी। बिल्कुल। और 7000 माइलेज है इसकी। बिल्कुल, बहुत ही लो माइलेज है। लो माइलेज है गाड़ी, बहुत आउटस्टैंडिंग कंडीशन में है। सही। और आप अपने व्यूअर्स को दिखाएं गाड़ी। बिल्कुल, आप इसकी मुझे डिमांड बता दें एक बार। ये 36 में दे देंगे। 36 में दे, 36 डिमांड कर रहे हैं। सो शेयर भाई व्यू करवा दे कार? जी जी बिल्कुल श्योर। सो गाइस देख सकते हैं फ्रंट लुक, आप इसका देख सकते हैं, लो माइलेज कार है, बहुत ऑसम कंडीशन में माशाल्लाह से। फ्रंट लुक इसका बहुत ही ऑसम है, मैं आपको साइड लुक भी इसका व्यू करवा देता हूँ। टायर्स और आर एम सी कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं, साइड लुक भी आप इसका विजिट कर सकते हैं। बहुत ही माशाल्लाह नीट एंड क्लीन कंडीशन में कार है ये। मैं आप लोगों को इसका बैक लुक भी एक बार व्यू करवा देता हूँ। सो बैक लुक भी आप इसका देख सकते हैं, अब मैं आपको इसका इंटीरियर व्यू करवा देता हूँ। इंटीरियर आप इसकी देख सकते हैं, इसके ऑटो मिरर्स है, खोलिया वगैरह आप इसकी देख सकते हैं, इंटीरियर की कंडीशन में मीटर की जो है कंडीशन देख सकते हैं, स्टेयरिंग की कंडीशन, एलसीडी वगैरह अपडेट है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, सीट वगैरह की कंडीशन, रूफ वगैरह भी आप इसका विजिट कर सकते हैं गाइस, बहुत ही ऑसम कंडीशन में। मैं आपको इसकी बैक सीट की व्यू करवा देता हूँ। सो बैक सीट भी आप इसकी देख सकते हैं गाइस, माशाल्लाह से बहुत ऑसम कंडीशन में कार है ये। अब मैं आपको इसका इंजन रूम व्यू करवा देता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं ये फुल स्टार्ट कार है, बहुत ही ऑसम कंडीशन में माशाल्लाह से। मैं आपको इसका इंजन रूम व्यू करवा देता हूँ। सो इंजन रूम की कंडीशन देख सकते हैं, कुत्ते वगैरह इसकी डोरिया वगैरह भी देख सकते हैं गाइस, बहुत ही माशाल्लाह नीट एंड क्लीन कंडीशन में कार है ये। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट कार। शेफ भाई ये प्राडो का कौन सा यूनिट है? ये प्राडो 2006 मॉडल है, 2009 की रजिस्टर्ड है। बिल्कुल। और 2.7 है पेट्रोल, ब्रांड न्यू रिम टायर्स इसमें लगे हुए हैं, ब्रांड न्यू बैटरी लगी हुई है, गाड़ी पूरी ओरिजिनल है ये, और 83,000 चली हुई इसकी माइलेज है। सही। और बेज इंटीरियर है गाड़ी का, आप देखें गाड़ी विजिट करें, बेज इंटीरियर है गाड़ी का, बहुत नीट एंड क्लीन गाड़ी है। सही। बाकी इसकी जो है एवरेज माइलेज वगैरह? एवरेज ये है ऑलमोस्ट आप ये समझें कि तकरीबन 6.5-7 किलोमीटर पर लीटर एवरेज देती है ये। सही।
और ये जीप लवर्स के लिए बहुत बेहतरीन कार है, गाड़ी बहुत मेंट कंडीशन में, आप गाड़ी देखें बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी। बाकी इसकी जो है माइलेज भी आप थोड़ा मुझे बता दीजिए। 83,000 किलोमीटर। तो आप इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? इसकी डिमांड हम कर रहे हैं 74। कोई रीजनेबल ऑफर होगी तो इंशाल्लाह ताला कर लेंगे आपके, उससे कोई अच्छा रिस्पांस होगा तो। सो उमर भाई शेयर भाई व्यू करवा दे। बिल्कुल शेयर। सो गाइस देख सकते हैं, टायर्स की कंडीशन भी देख सकते हैं, फ्रंट लुक भी आप इसका देख सकते हैं, बहुत ही माशाल्लाह ऑसम कंडीशन में है। टायर्स की कंडीशन, अलॉयज की कंडीशन, साइड लुक आप इसका विजिट कर सकते हैं, बिल्कुल ऑसम, बिल्कुल देख सकते हैं। बैक टायर्स भी आप इसके देख सकते हैं, जीप लवर्स के लिए बहुत ही ऑसम कंडीशन वाली कार है, जो हमारे भाइयों की डिमांड थी बिल्कुल वैसी कार लेके आया हूँ मैं। तो आपको इसका जो है इंटीरियर एक बार व्यू करवा देता हूँ। सो गाइस देख सकते हैं, इसकी डोरिया वगैरह भी देख सकते हैं, ऑटो इसके मिरर्स हैं, ये वाली डोरिया वगैरह, पिलर वगैरह भी आप इसके देख सकते हैं गाइस। इंटीरियर में आप इसकी बात करें तो बहुत ही नीट एंड क्लीन है, इसका मैनुअल ट्रांसमिशन है, सिस्टम वगैरह इसमें अपडेट है, LCD वगैरह अपडेट है, स्टेयरिंग की कंडीशन भी देख सकते हैं, मीटर की कंडीशन भी देख सकते हैं, रूफ वगैरह भी आप इसका विजिट कर सकते हैं। बहुत ही ऑसम कंडीशन में कार है माशाल्लाह से। मैं आपको इसकी बैक सीट भी एक बार व्यू करवा देता हूँ। सो बैक सीट भी आप इसकी देख सकते हैं गाइस, माशाल्लाह से ऑसम कंडीशन में कार है, नीट एंड क्लीन है, फ्रेश लुक वाली कार है माशाल्लाह से। मैं आपको इसका इंजन रूम व्यू करवा देता हूँ। सो इंजन रूम की कंडीशन देख सकते हैं, कुप्पे वगैरह देख सकते हैं। ये शोपे बहुत डस्टी हो रही है ये जी। एक्चुअली यहाँ पर हमारे रोड पर कुछ काम चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कंस्ट्रक्शन का, जिस वजह से जो है डस्ट पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सो देख सकते हैं आप इसके कुप्पे वगैरह, इसकी डोरिया वगैरह, बाकी ये बहुत ही ऑसम कंडीशन है। बाकी जो भाई देखने के लिए आएंगे उनके लिए आप इसको थोड़ा स्पेशल डिस्काउंट होगा इंशाल्लाह, और गाड़ी भी साफ सुथरी मिलेगी, साफ सुथरी इंशाल्लाह मिलेगी। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट कार की तरफ। सो शिव भाई ये नेक्स्ट यूनिट कौन सा आपके पास? ये हमारे पास टोयोटा प्रियस है, 2020 मॉडल है और 2023 की क्लियर है गाड़ी बिल्कुल, और 4.5 ग्रेड में इम्पोर्ट है ये, 39,000 चली हुई है गाड़ी जापान से, जो भी जी लो माइलेज है गाड़ी और बहुत साफ सुथरी गाड़ी है। आप गाड़ी देखें, विजिट करें गाड़ी का, सही बाकी अपने व्यूअर्स को भी आप दिखाएं गाड़ी बिल्कुल, जो आप बता रहे जापान से जो है इम्पोर्ट करवाई है, जापान से इम्पोर्ट हुई है 2023 में, 2020 मॉडल है बिल्कुल, और गाड़ी अच्छी कंडीशन में, 4.5 ग्रेड की इम्पोर्ट है गाड़ी बिल्कुल। आप मुझे इसकी एवरेज का थोड़ा गाइड कर दो। ये एवरेज देगी ऑलमोस्ट आप ये 18 देगी, एवरेज 18 देगी सही, और आउटसीट भी तो और ज्यादा देगी, और ज्यादा देगी सही। तो आप इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? इसकी डिमांड हम कर रहे हैं 81.5 व्यू करवा रहे थे जी जी श्योर। सो गाइस फ्रंट लुक आप इसका देख सकते हैं, बहुत ही माशाल्लाह ऑसम कंडीशन में फ्रंट लुक माशाल्लाह इसका, बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही ऑसम कार है। टायर्स की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं, साइड लुक भी आप इसका विजिट कर सकते हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन है माशाल्लाह से। बैक टायर्स भी मैं आपको इसको विजिट करवा देता हूँ, देख सकते हैं गाइस, मैं आपको इसका बैक लुक भी एक बार व्यू करवा देता हूँ। सो बैक लुक भी आप इसका विजिट कर सकते हैं गाइस। अब मैं आपको जो है इसका इंटीरियर व्यू करवा देता हूँ। सो इंटीरियर में देख सकते हैं आप इसके ऑटो मिरर्स हैं, डोरिया वगैरह आप इसकी देख सकते हैं, बहुत ही नीट एंड क्लीन कार है माशाल्लाह से। सीट वगैरह की कंडीशन, रूफ वगैरह की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं, मल्टीमीडिया इसका स्टेयरिंग है, देख सकते हैं गाइस पुश स्टार्ट कार है ये, LCD पैनल इसमें अपडेट है, ऑटोमेटिक इसका ट्रांसमिशन है। मैं आपको इसकी बैक सीट भी एक बार व्यू करवा देता हूँ। आप इसके मीटर की कंडीशन भी देख सकते हैं गाइस, माशाल्लाह बहुत ही नीट एंड क्लीन कार है। तो बैक सीट भी आप इसकी विजिट कर सकते हैं गाइस, बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में ये कार है, देख सकते हैं डिग्गी वगैरह की कंडीशन भी देख सकते हैं। अब मैं आपको इसका जो है इंजन रूम व्यू करवा देता हूँ। सो इंजन रूम की कंडीशन गाइस आप देख सकते हैं, इसकी डोरिया वगैरह देख सकते हैं, बिल्कुल जीरो मीटर कंडीशन में माशाल्लाह से कार है ये, कुप्पे वगैरह भी देख सकते हैं, इंजन रूम की कंडीशन भी देख सकते हैं, बिल्कुल ऑसम कंडीशन में माशाल्लाह से ये कार है। सो अब चलते हैं हम नेक्स्ट कार की तरफ। शोएब भाई ये नेक्स्ट यूनिट कौन सा आपके? ये हमारा नेक्स्ट यूनिट है होंडा BRV है, 2022 मॉडल है बिल्कुल, और 9000 किलोमीटर ड्राइव हुई हुई है ये सही, और गाड़ी ओरिजिनल कंडीशन पे बहुत मिंट कंडीशन में साफ सुथरी गाड़ी है सही। बाकी इसकी एवरेज और माइलेज वगैरह थोड़ा गाइड कर दो। 9000 किलोमीटर चली हुई है जी जी,
जी और एवरेज वगैरह पेट्रोल एवरेज ऑलमोस्ट है इसका 11.5 सही है। तो आप इसकी डिमांड क्या कर रहे हैं? 54.50 ये लो माइलेज है, गाड़ी बहुत साफ सुथरी कंडीशन बिल्कुल। सो व्यू करवा रहे हैं? जी जी श्योर आप कराएं। सो गाइस देख सकते हैं बहुत ही लो माइलेज कार है और बहुत ही जो बोलते हैं ना कि नीट एंड क्लीन कंडीशन में। सो देख सकते हैं टायर्स और आदम से कंडीशन भी देख सकते हैं, मैं आपको टायर्स की कंडीशन क्लियर दिखा देता हूँ, देख सकते हैं बहुत ही ऑसम कंडीशन में। साइड लुक भी आप इसका विजिट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बैक टायर्स की कंडीशन भी दिखा देता हूँ गाइस, बैक लुक भी आप इसका देख सकते हैं, बैक लुक भी इसका बहुत ही ऑसम कंडीशन में माशाल्लाह से। मैं आपको इसका इंटीरियर व्यू करवा देता हूँ। सो इंटीरियर में आप इसकी डोलियां वगैरह भी देख सकते हैं, ऑटो इसके मिरर्स है, जो इसकी डोरिया है, पिलर वगैरह देख सकते हैं, पिलर से पता चल जाता है कि गाड़ी कितनी परसेंट जेन्युइन है, फुल जेन्युइन कार है माशाल्लाह से। सीट वगैरह की कंडीशन और देख सकते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन कार है माशाल्लाह से। ऑटोमेटिक इसका ट्रांसमिशन है, LCD पैनल इसमें अपडेट है, मल्टीमीडिया इसका स्टेयरिंग है, मीटर की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं, रूफ वगैरह भी आप इसका देख सकते हैं गाइस। मैं आपको इसकी बैक सीट भी व्यू करवा देता हूँ। सो बैक सीट की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं। सो हमारे माशाल्लाह शोएब भाई के पास सारी कार्स माशाल्लाह बहुत ही ऑसम कंडीशन में। हमारे जो भाई हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, ज़रूर शोएब भाई से कॉन्टेक्ट करें। सो अब मैं आपको इसका इंजन रूम व्यू करवा देता हूँ। ये भी पुश स्टार्ट कार है, देख सकते हैं गाइस आप। सो गाइस देख सकते हैं इसके डोरिया वगैरह, इसकी कुपियाँ वगैरह बिल्कुल, इस पर तो कोई बात ही करने वाली नहीं है, बिल्कुल इनकी जो कार से माशाल्लाह लाइक का 0 मीटर कंडीशन है, देख सकते हैं आप। मैं आपको इसके इंजन रूम की कंडीशन भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं बहुत ही माशाल्लाह लाइक का 0 मीटर कंडीशन है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। तो शोएब भाई ये करोला लवर्स के लिए कौन सा यूनिट लेके आया? ये टोयोटा करोला है, 2017 मॉडल है, GLI ऑटो 1.3 और 76,000 किलोमीटर ड्राइव हुई भी है ये। बिल्कुल और गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है ये गाड़ी, आप अपने व्यूअर्स को आप ये भी विजिट करें करोला, बहुत अच्छी कंडीशन है। और इसका भी एवरेज माइलेज वगैरह आपको पता है ऑलमोस्ट 10.5 देगी ऑलमोस्ट। बिल्कुल और जो है इसकी माइलेज आपने बताई 76,000 और डिमांड क्या कर रहे हैं आप इसकी? इसकी डिमांड कर रहे हैं 36 सही है। सो व्यू करवा दें शिवर? जी जी श्योर कराएं। सो गाइस देख सकते हैं माशाल्लाह से लाइक 0 मीटर कंडीशन में। करोला लवर्स के लिए जो हमारे सिंधी भाई हैं उनको ये बहुत ज्यादा पसंद है ये कार, देख सकते हैं टायर्स और लाइजेंस की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं, साइड लुक भी आप इसका विजिट कर सकते हैं। मैं आपको इसका बैक लुक भी एक बार व्यू करवा देता हूँ। सो GLI ये देख सकते हैं, लाइट्स की कंडीशन भी देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। मैं आपको इसका जो है एक बार इंटीरियर व्यू करवा देता हूँ। सो इंटीरियर आप इसका देख सकते हैं गाइस, ऑटो इसके मिरर्स हैं, डोरियों की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं, पिलर वगैरह भी आप इसका देख सकते हैं गाइस। इंटीरियर की कंडीशन में मीटर देख सकते हैं, स्टेयरिंग की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं, ऑटोमेटिक इसका ट्रांसमिशन है, LCD वगैरह इसमें अपडेट है, रूफ वगैरह भी आप इसका देख सकते हैं। मैं आपको जो है इसकी बैक सीट भी व्यू करवा देता हूँ। सो बैक सीट की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं गाइस, बैक पिलर्स भी आप इसके देख सकते हैं, बिल्कुल अपनी डोरियों में है ये पूरी कार माशाल्लाह से। मैं आपको इसकी एक बार डिग्गी भी विजिट करवा देता हूँ और इंजन रूम भी एक बार करवा देता हूँ। सो डिग्गी की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं गाइस, बहुत ही माशाल्लाह से देख सकते हैं, ऑसम कंडीशन में माशाल्लाह। तो मैं नीचे से भी आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं गाइस ऑसम कंडीशन में ये कार है, आइस वगैरह की कंडीशन भी देख सकते हैं। मैं आपको इसका इंजन रूम व्यू करवा देता हूँ। इंजन रूम की कंडीशन में आप इसके कुत्ते देख सकते हैं गाइस, बहुत ही माशाल्लाह नीट एंड क्लीन है। मेरा ये उम्मीद होती है कि मैं आपके लिए बिल्कुल क्लियर करके कार दिखाऊं, देख सकते हैं गाइस बहुत ही माशाल्लाह नीट एंड क्लीन कार है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। शोएब भाई ये हमारे Altis लवर्स के लिए कौन सा यूनिट है? ये 2023 Altis है, 1.6 और CVT गियर वाली और न्यू रिम्स वाली और लो माइलेज है, 10,000 किलोमीटर चली भी है, बहुत ही माशाल्लाह लो गाड़ी है, 100% सही।
और जो पर्ला लवर्स हैं वो फौरन इसको लाइक करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। शुभ भाई इसकी जो है बम्पर टू बम्पर जाएंगे, बम्पर टू बम्पर जाएंगे सही। और इसकी माइलेज जो है 10,000 किलो सही है। और एवरेज वगैरह इसका? एवरेज इसका भी यही ऑलमोस्ट 10.5 सही है। सो शुभ भाई आप मुझे इसके ये डिमांड बता दें कि आप क्या कर रहे हैं? 6250। सो शुभ भाई व्यू करवा दें? श्योर कराया। सो गाइस देख सकते हैं बिल्कुल लाइक और जीरो मीटर कंडीशन है। जो एल्टस लवर्स हैं उनके लिए समझे ये तोहफा है। बिल्कुल देख सकते हैं जो हमारे व्यूवर्स है वो बोलते हैं कि बुलबुल का बच्चा दिखा दो आप, तो ये बुलबुल का बच्चा ही है। देख सकते हैं मैं आपको इसका बैक लुक भी एक बार व्यू करवा देता हूँ। सो बैक लुक भी आप इसका विजिट कर सकते हैं गाइस। माशाल्लाह से बिल्कुल ऑसम कंडीशन में 1.6 सही है। टायर्स की कंडीशन, अलार्म्स की कंडीशन बहुत ही ऑसम कंडीशन में, नीट एंड क्लीन कार है। आपको इसका इंटीरियर व्यू करवा देता हूँ। सो इंटीरियर में देख सकते हैं इसके ऑटो मिरर्स है, दूरियाँ वगैरह आप इसकी देख सकते हैं। बिल्कुल ऑसम कंडीशन में लाइक जीरो मीटर कार है, नीट एंड क्लीन। बिल्कुल रूफ वगैरह जो है आप इसका देख सकते हैं, सीट वगैरह की कंडीशन भी देख सकते हैं। ऑटोमेटिक जो है इसके ट्रांसमिशन है, LCD वगैरह इसमें अपडेट है, मल्टीमीडिया स्टेयरिंग है। मीटर की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं। मैं आपको इसका रूफ वगैरह भी दिखा देता हूँ, रूफ वगैरह भी देख सकते हैं आप। इसकी बैक सीट भी आपको व्यू करवा देता हूँ गाइस। सो बैक सीट भी आप इसकी देख सकते हैं। हमारे भाई जो है वो शुभ भाई से जरूर कॉन्टेक्ट करें, मैं आपको इसकी डिग्गी और इंजन रूम व्यू करवा देता हूँ अभी। सो गाइस देख सकते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में ये कार है, डोरिया वगैरह देख सकते हैं। ये देखें हाफिज भाई, ये स्पेयर अनयूज कार है। बिल्कुल बिल्कुल अंदर से भी देख सकते हैं, अंदर से भी बिल्कुल ब्रांड न्यू हो रही है गाड़ी, ब्रांड न्यू कार है माशाल्लाह से। सो अब मैं आपको इसका इंजन रूम व्यू करवा देता हूँ। इंजन रूम की कंडीशन में आप इसकी जो पट्टी वगैरह देख सकते हैं, डोरिया वगैरह पिलर वगैरह हर चीज इसकी माशाल्लाह ओके है और बिल्कुल जर्मन कंडीशन में कार है माशाल्लाह। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। ऊपर से भी आप इसका बुलेट देख सकते हैं, इसकी किनारियां वगैरह देख सकते हैं। सो अब चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ। सो शुभ भाई ये वाला कौन सा यूनिट है? ये टोयोटा एक्सियो है, हाइब्रिड। बिल्कुल हाइब्रिड कार है ये, और 2015 मॉडल है, 2018 का नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी गाड़ी माशाल्लाह बहुत साफ सुथरी है, आप अपने व्यूअर्स को विजिट कराएं गाड़ी का। जी जी बहुत साफ सुथरी है, की स्टार्ट है ये। सही, की स्टार्ट है, की स्टार्ट है और 82,000 किलोमीटर ड्राइव हुई है। सही है। और इसकी एवरेज पेट्रोल एवरेज है इसका ऑलमोस्ट 16 सही है। आप मुझे उसकी डिमांड बता दें? 4550 डिमांड कर रहे हैं। 4550 सो व्यू करवा दें? जी जी। सो गाइस फ्रेंड लोग आप इसका देख सकते हैं, लाइट्स की कंडीशन भी देख सकते हैं। बिल्कुल माशाल्लाह इनके पास सारी कार्स ऑसम कंडीशन में है। नंबर प्लेट की कंडीशन भी देख सकते हैं, टायर्स की कंडीशन भी आप इसकी विजिट कर सकते हैं, साइड लुक भी आप इसका विजिट कर सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ऑसम कंडीशन में। मैं आपको इसकी जो है इसका बैक लुक भी विजिट करवा देता हूँ। बैक लुक भी आप इसका विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं एक्सियो टोयोटा एक्सियो। सो डिग्गी की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं गाइस, इसकी पट्टी वगैरह भी देख सकते हैं। बिल्कुल जेन्युइन कंडीशन में कार है माशाल्लाह से। मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं अपने भाइयों को उतना क्लियर करके दिखाता हूँ। देख सकते हैं डिग्गी वगैरह भी आप इसकी देख सकते हैं, मैं आपको इसके नीचे से भी ये दिखा देता हूँ। सो देख सकते हैं बिल्कुल लाइक जीरो मीटर कंडीशन में माशाल्लाह से हमें ये कार मिल रही है। अब मैं आपको जो है इसका इंटीरियर व्यू करवा देता हूँ। सो इंटीरियर में देख सकते हैं इसके ऑटो मिरर्स हैं, डोरियों की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं गाइस। और लेदर सीटेड है ये, ऑटोमेटिक इसका ट्रांसमिशन है, LCD वगैरह इसमें अपडेट है, मल्टीमीडिया इसका स्टेयरिंग है। मीटर की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं, रूफ वगैरह भी आप इसका देख सकते हैं गाइस। मैं आपको इसकी जो है बैक सीट भी विजिट करवा देता हूँ। सो बैक सीट भी आप इसकी विजिट कर सकते हैं, इसकी डोरिया वगैरह पिलर वगैरह आप इसके देख सकते हैं। बहुत ही माशाल्लाह नीट एंड क्लीन कंडीशन में जो है ना इनके पास सारी कार्स हैं, देख सकते हैं। मैं आपको इसका इंजन रूम विजिट करवा देता हूँ एक बार। सो इंजन रूम में आप इसकी पट्टी देख सकते हैं, फ्रंट पट्टी, डोरिया वगैरह पिलर वगैरह की कंडीशन भी देख सकते हैं माशाल्लाह से ऑसम कंडीशन में ये हमें जो ये वाली कार भी मिल रही है। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ।
ये शेपे करोना लवर्स के लिए दूसरा यूनिट, ये हमारे पास टोयोटा करोला एंटेस है 1.6X 2021 मॉडल, एक्स में न्यू शेप आया है करोला में बिल्कुल, और 42,000 माइलेज है इसकी, वन ओनर गाड़ी है और ये भी बहुत साफ सुथरी अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। आप डिमांड बता दिए इसकी, इसकी डिमांड कर रहे हैं 50,000 बिल्कुल। सो गाइस देख सकते हैं फ्रंट लुक बिल्कुल इसका ऑसम कंडीशन में, लाइट्स की कंडीशन भी देख सकते हैं, लाइक अ 0 मीटर कंडीशन में हमें ये कार मिल रही है, देख सकते हैं। जो भाई इंटरेस्टेड हो वो जरूर कॉन्टेक्ट करें, साइड लुक भी मैं आपको उसका विजिट करवा देता हूँ गाइस। सो टायर्स की कंडीशन, अलार्म्स की कंडीशन देख सकते हैं, अब मैं आपको उसका साइड लुक विजिट करवा देता हूँ, देख सकते हैं। मैं आपको इसका बैक लुक भी एक बार विजिट करवा देता हूँ, सो बैक लुक भी आप इसका विजिट कर सकते हैं, डिग्गी की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं गाइस, बहुत ही ऑसम कंडीशन में देख सकते हैं आप इसको। सो गाइस देख सकते हैं बहुत ही माशाल्लाह से नीट एंड क्लीन है ये, इसकी डिग्गी की कंडीशन भी आप इसकी देख सकते हैं, डोरिया वगैरह आप इसकी देख सकते हैं, बिल्कुल अपने जोड़े में कार है, और नीचे से भी आपको विजिट करवा देता हूँ, देख सकते हैं बहुत ही माशाल्लाह ऑसम कंडीशन में, स्पेयर टायर भी इसका है देख सकते हैं। अब मैं आपको इसका इंटीरियर व्यू करवा देता हूँ, सो इंटीरियर में देख सकते हैं ब्लैक कलर में ये बिल्कुल टाइगर, ब्लैक टाइगर देख सकते हैं, बहुत ही माशाल्लाह ऑसम कंडीशन में, डोरिया वगैरह इसकी देख सकते हैं, सीट वगैरह की कंडीशन, ऑटोमेटिक इसका ट्रांसमिशन है, LCD वगैरह इसमें अपडेट है, मल्टी मीडिया इसका स्टेयरिंग है देख सकते हैं गाइस, मीटर भी आप इसका देख सकते हैं, रूफ वगैरह भी आप इसका विजिट कर सकते हैं गाइस। मैं आपको इसकी बैक सीट भी विजिट करवा देता हूँ, सो बैक सीट भी आप इसकी विजिट कर सकते हैं गाइस। अब मैं आपको इसका इंजन रूम विजिट करवा देता हूँ, सो इंजन रूम देख सकते हैं, पहले तो आप इसके पिक्चर वगैरह देख सकते हैं, दूरिया वगैरह इसकी बहुत ही माशाल्लाह ऑसम कंडीशन में, लाइक 0 मीटर कंडीशन है, ब्रांड न्यू कार है माशाल्लाह से देख सकते हैं। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट कार की तरफ, ऊपर से भी आप इसका बोनेट की डोरिया वगैरह किनारे वगैरह सब देख सकते हैं गाइस। सो माशाल्लाह शुएब भाई हमने आपका स्टॉक चेक किया है, बहुत ही आउट क्लास है माशाल्लाह से, सारी कार्स माशाल्लाह लाइक 0 मीटर कंडीशन है और जेन्युइन कार से माशाल्लाह से कंडीशन बहुत ही आउट क्लास है। तो स्टॉक चेक करने के बाद कुछ क्वेश्चन थे आपसे? जी जी श्योर बिल्कुल, जज़ाकअल्लाह हाफिज़ भाई, आपने माशाल्लाह विजिट भी किया आज, आपने यहाँ पर आके गाड़ियाँ भी अपने अपने व्यूअर्स को दिखाई, और हमारी कोशिश यही है यार इंशाल्लाह ताला जो भी कस्टमर्स हैं अच्छी चीज़ अच्छे पैसों में अच्छी चीज़ दें, ताकि नेक्स्ट टाइम भी वो विजिट करें तो इंशाल्लाह ताला खुश होकर दुआएं देके ही विजिट करें इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। सो माशाल्लाह से हम पहला जो क्वेश्चन ये था कि अगर इन कार्स के अलावा किसी और कार की नीड होगी तो उसके लिए क्या? जी जी श्योर, हमारा तो फैमिली बिजनेस ही यही है, काम ही यही है इंशाल्लाह ताला, और भी कोई गाड़ी किसी की कोई रिक्वायरमेंट होगी कोशिश पूरी करेंगे इंशाल्लाह ताला, अरेंज करके बेहतर से बेहतर कार प्रोवाइड करें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सो शेब भाई अगर हमारे रेफरेंस से कोई आएगा तो उसके लिए क्या हो सकेगा? बिल्कुल, जो फेवर दे सकूंगा इंशाल्लाह ताला आपके रेफरेंस से इंशाल्लाह ताला बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा फेवर दूं उनको इंशाल्लाह। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकल्ला, और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह आपसे मिलकर, जजाकल्ला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शिव भाई आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिएगा। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर आपको मैं अपना कार्ड दे देता हूँ। जी जी, ये कार्ड भी अपने कस्टमर्स को जो है व्यूअर्स को जो है शो करा दें। सही, आप मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिए। 0333-3244-60। ठीक है, और आप कुछ हमारे जो भाई हैं वो बोलते हैं कि भाई लोकेशन का थोड़ा इशू है तो आप लोकेशन थोड़ी गाइड कर दें। ये इस्लामिया कॉलेज रोड से आप स्ट्रेट आते हैं टूवर्ड्स जेल चौरंगी, तो राइट पे ही जो है अली मोटर्स का आपको माशाल्लाह इतना बड़ा बोर्ड नजर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड जज़ाकअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम।